यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है। वहीं हथनीकुंड बराज से दिल्ली की तरफ 1,47,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार पिछले 30 घंटों से यमुना की कैचिंग बेल्ट में लगातार बारिश हो रही है, जिससे यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हथनीकुंड बराज में खतरे की घंटी बजते ही यमुनानगर जिला प्रशासन अलर्ट पर आ गया। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि इतनी भारी मात्रा में पहाड़ों से उतरे सैलाब से यमुनानगर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यह पानी 72 घंटों के भीतर दिल्ली की सरहदों पर दस्तक दे सकता है। राहत की बात यह है कि फिलहाल हथनीकुंड बराज पर नापे जा रहे पानी की रफ्तार लगातार कम हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसके नतीजतन ये हुआ कि अर्ली मॉर्निंग पानी 1,47,000 क्यूसिक पे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार ये घटता रहा है और अब थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट के मुताबिक 66,000 क्यूसिक पे पानी आ गया है। लेकिन पानी बहुत जल्दी रिसीड कर गया है, इसलिए इलाके में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है और कुछ सड़कों पर पानी ने कुछ नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ये चीज़ें आपको पता ही है कि पानी जब बहुत ज़्यादा आता है तो बड़ा स्वाभाविक सा है, कुछ नुकसान तो होता ही है। किसी भी आबादी में बाढ़ का पानी नहीं घुसा, तो खेतों में जंगल में पानी होना तो स्वाभाविक है, उसमें जल्दी पानी रिसीड कर जाता है तो कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात होती नहीं है। दिल्ली तक जाते जाते हो सकता है ये पानी बढ़ भी जाए, क्योंकि नीचे कुरुक्षेत्र करनाल के इलाके में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो वहाँ की क्या सिचुएशन है उसके बारे में तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हम तो यमुनानगर और ऊपर की जो पानी है इसकी रिपोर्ट दिल्ली तक भी भेजते रहते हैं। आगे करनाल सोनीपत के इलाके में ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी में जो बढ़ोतरी होती है उसका सही हमें आकलन नहीं होता। जहाँ तक हमारी प्रशासनिक मशीनरी का सवाल है, हम लोग तो पूरे सीजन में बहुत चौकन्ने रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही हमने तैयारियाँ कर ली थी और उसकी मुस्तैदी हमारी बनी रहती है लगातार। तो हम तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई भी बचाव का कार्य करना हो तो उसके लिए हमारे लोग तैयार होते हैं।